गुजरता भारत का भविष्य और कंधों पर अर्थी। यह कहानी है जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमलदा डैप की, जहां पर मात्र 300 मीटर का रोड बनाने के सालों से मांग उठ रही है। आपको बता दें, कई बार आवेदन देने के बाद भी सरकार अब तक सड़क नहीं बना पाई। गांव के लोगों की मजबूरी है कि कीचड़ से गुजरना गांव में आने का एकमात्र यही रास्ता है। जहां से स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी गुजरते हैं, तो आम नागरिक भी इसी गांव के करीब में पूर्व जनप्रतिनिधियों के भी गांव जुड़े हुए हैं। इन जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना इसी गांव से ही है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने भी इस गांव की दशा अब तक नहीं बदली है। आपको पता होगा कि इस वक्त बारिश का समय है और सड़क पर कीचड़ हो जाने से बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म कीचड़ से खराब हो जाती है, तो कभी बस्ते खराब हो जाते हैं, ऐसे में हम लोगों का निकलना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि हमने कई बार बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को भी इस सड़क के लिए अवगत कराया, लेकिन सिर्फ मिला क्या आश्वासन। आपको बता दें, लगातार नेताओं को भी बताते रहे, प्रशासन को बताते रहे, लेकिन हमारे गांव के रोड नहीं बन पाया। अब हमने यह निर्णय लिया है कि अगर हमारा रोड नहीं बनता है तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना आ जाए। यहाँ एक तरफ तो जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो लगता है कि गांव से अभी भी विकास कोसों दूर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे कीचड़ से लथपथ रोड से निकल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कंधों पर अर्थी में शामिल लोग भी कीचड़ से भरी सड़कों से गुजर रहे हैं। ऐसे में इन गांव के लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं सही नजर आ रही है। परी गोस्वामी। परी, कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। कहाँ जा रहे हो? घर पे। रास्ते में कीचड़? हाँ है? हाँ। कितना कीचड़ है? बहुत ज्यादा। कैसे आते हो? डर लगता है गिरने पड़ने? हाँ, डर भी लगता है, मतलब ड्रेस भी खराब होती है, फिर कल रिटर्न पहन के भी जाना पड़ता है, गाड़ियाँ निकलती है। फिर क्या चाहते हैं? मतलब ये रोड बन जाए। स्कूल भी है पास में? हाँ है, उधर है। हाँ है, बच्चे आते जाते हैं। हाँ आते जाते ना। गिरते पड़ते भी होंगे बच्चे? हाँ गिरते होंगे ना। संदीप गिरी गोस्वामी। संदीप कहाँ रहते हैं? सेमलदा डैप, तहसील ठिकरी, जिला बड़वानी। रोड की बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर ये समस्या का निराकरण जल्दी नहीं हुआ तो गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे भूख हड़ताल या चुनाव का बहिष्कार जैसे कदम उठाएंगे, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हमको जैसा निर्देशन देंगे वैसा हम करेंगे। मेन रोड से गाँव तक का रोड कितने मीटर का है? ये 350 से 400 मीटर का है। 400 मीटर? हाँ, मेन रोड से। रोड को बनाने के लिए कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिए, मांग की? रोड को बनाने के लिए सांसद महोदय, विधायक महोदय, राज्यसभा सांसद, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ऐसा कोई भी जिले का पदाधिकारी या हमारे यहाँ का एरिया का जो भी पदाधिकारी और जो भी नेता है, इन सभी लोगों को दिया गया था आवेदन। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि रोड बन जाए बस, और क्या चाहेंगे? रोड की मांग है, रोड बन जाए तो सब लोगों का काम अच्छे से चलेगा, सब लोग व्यवस्थित आना जाना कर लेंगे। चंदन गिरी गोस्वामी, सेमलदा डैप, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी। दादा, इस गांव में रोड की सबसे बड़ी समस्या है? रोड की सबसे बड़ी समस्या, और कई बार हमने आवेदन भी दे चुके हैं नेताओं से भी, सबको, पंचायत को भी, सभी लोगों को हमने इसका अनुभव करवा दिया कि देख लो, आप भी देख लो। बच्चे जाते हैं स्कूल के, बाहर के बच्चे खदान मोहल्ले से भी पढ़ने के लिए आते हैं तो कहीं गिरते भी हैं, कीचड़ में भी है। वो अभी परसों तरसों गिरे थे तो वहाँ आके वहाँ नल जल में वहाँ उसको कपड़े धुलवाए, तो ये पोजीशन में। अब मोटरसाइकिल वाले जाते हैं तो मोटरसाइकिल वाले भी गाड़ी फिसलती है तो उसमें दिक्कत होती है। कहाँ कहाँ आपने अर्जी लगा दी इस गांव पे? ये हमारे यहाँ वो कलेक्टर साहब का शिविर लगा था, यहाँ कलेक्टर साहब भी आए थे, 1.5 साल हुआ जब, उनको भी आवेदन दिया था। हरदीप सिंह डंग आए थे कि नहीं, उनको भी हमने आवेदन दिया था। प्रेम सिंह पटेल भी आए थे, उनको सबको आवेदन दिया हमने, लेकिन अभी तक अभी तो कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारा रोड क्लियर हो जाए, बन जाए एक बार, तो हमको सब तरह की सुविधा हो जाती है। दादा, अगर रोड नहीं बनता है तो? नहीं बनेगा तो हम इसके लिए आगे हम कुछ भी मतलब आंदोलन करेंगे, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। अब बैठ लिए, जितना रोज बैठना था उतने रोज बैठ लिए, अब नहीं बैठेंगे। अब ठान लिया है कि रोड बनाएंगे इसके बाद में ही।